हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रे मछली रेसिपी। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और बनाना बहुत आसान है। हमने 500 ग्राम ग्रे मछली लिया है। इसे अच्छे से हम साफ कर लेंगे। इसे रगड़कर हम साफ कर रहे हैं। इसमें बानी लगाते हैं। गोईठा के बानी लगाने से अच्छी तरीके से साफ हो जाता है, इसका चोई वगैरह निकल जाता है। हमने मछली को अच्छे से रगड़कर साफ कर लिया है। इसे अच्छे से हम पानी में डालकर धो लेते हैं। इसे चार पानी पांच पानी से धोएंगे। ये बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से हम मिलाएंगे। एक पैन में डालेंगे 3 से 4 चम्मच सरसों तेल। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसमें एक एक करके फिश डाल के हम फ्राई करेंगे। इसे हल्का हल्का चला लेते हैं ताकि आपस में सटे नहीं। एक साइड से फ्राई हो गया है फ्रेंड्स। इसे हम पलटकर दूसरे साइड से फ्राई करेंगे। ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गया है। इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। इसी तरह बचे हुए मछली को भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। हमने सभी मछली को फ्राई करके निकाल लिया है फ्रेंड्स। बचे हुए तेल में डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा को थोड़ा हम चटकने देंगे। जीरा अच्छे से चटक चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ सरसों। इसे 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज का पिसा हुआ प्याज। इसे 2 मिनट के लिए चलाते हुए हम भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज का पिसा हुआ टमाटर। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे चलाते हुए 2 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट के लिए इसे हम भूनेंगे। इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर और इसे तब तक भूनेंगे जब तक साइड से तेल छोड़ने लगे।
ये हल्का हल्का साइड से तेल छोड़ रहा है फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जीरा पाउडर, मसाला बिल्कुल अच्छे से भुना चुका है फ्रेंड्स। अब इसमें ग्रेवी के लिए हम पानी डालेंगे, पानी आप अपने ग्रेवी अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से हम पानी में मिक्स कर लेते हैं मसाला को। मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम एक उबाल आने तक वेट करेंगे। ग्रेवी में उबाल आ चुका है फ्रेंड्स। अब इसमें फ्राई किए हुए सभी मछली को एक एक करके हम डाल देंगे। इसे इसी तरीके से हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे लो फ्लेम पे, हल्का आंच पे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से मछली पक रहा है, अच्छे से गाढ़ा भी हो रहा है। ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फ्रेंड्स। अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डालने से टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और गैस का फ्लेम हम बंद कर लेंगे। ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब इसे एक प्लेट में हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, कलर बहुत बढ़िया इसका आया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए, मस्ती में रहिए।